कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 4%, अब ये बढ़कर 42% हुआ। यहाँ समझे इससे कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई है। 24 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने डीए में बढ़ोतरी पर फैसला लिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते को 38% से बढ़कर 42% किया है। इसका फायदा करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को होगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी से लागू हो गया है। महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिया जाता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है। महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग अलग हो सकता है। महंगाई भत्ता निर्धारण के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये फॉर्मूला है। अब अगर पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करने वाले लोगों के महंगाई भत्ते की बात की जाए तो इसके कैलकुलेशन का तरीका यह है। 126.33 × 100 भारत में दो तरह की महंगाई होती है। एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरा थोक महंगाई होती है। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI भी कहते हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।